नमस्कार, आप देख रहे हैं namo4media.com। शारदीय नवरात्रि में देवी मां के मंदिरों की विशेष श्रृंखला में आज हम एक और रहस्यमयी मंदिर की कहानी लेकर आए हैं। यह बहुत ही विशेष मंदिर है। यहां देवी मां की एक ही प्रतिमा स्थापित है, लेकिन यह दिन के तीनों पहर में अलग अलग स्वरूप बदलती है। अब मां दिन में अपना तीन स्वरूप बदलती है, सुबह बाल अवस्था में, दोपहर में यंग किशोर अवस्था में और शाम को वृद्ध अवस्था में। हो सकता है कि आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन सच यही है। भक्तजन मां के इस मंदिर में बदलते स्वरूपों का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लहर की देवी मंदिर झांसी की सीपी में स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण बुंदेलखंड के शक्तिशाली चंदेल राज के समय हुआ। इस प्रदेश का राजा परमाल देव था। राजा के दो भाई थे, जिन्हें आल्हा उदल के रूप में जाना जाता था। महोबा की रानी मछला को पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह अपहरण कर ले गया था। रानी को वापस लाने व राजा ज्वाला सिंह से पार पाने के लिए आल्हा ने इसी मंदिर में अपने भाई उगल के सामने अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी थी, लेकिन देवी ने चढ़ाई गई इस बलि को स्वीकार नहीं किया और बलि चढ़ाने के कुछ देर बाद ही बालक जिंदा हो गया। आल्हा ने जिस पत्थर पर पुत्र की बलि दी थी, वह आज भी मंदिर परिसर में सुरक्षित है। और पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह था, मछला को हरण कर ले गया था। आला की जो है पत्नी थी मछला, उसको हरण कर ले गया था। तो आला और ये सब लोग जो है पूरी फौज लेके जो है लड़ाई करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि माई जो है उनकी कुल देवी है, मनिया देवी कुल देवी है। तो माई ने दर्शन दिया कि आप जो है अपने लड़के की बलि लगाओ, तो जो है आप बजा पाएंगे उसको ज्वाला सिंह से। ज्वाला सिंह को माई सिद्ध थी। तो फिर जो है उनने आला ने जो है उदल को जो है पहुँचाया उदल के पास जाओ। तो उदल के पास आए, उदल सब हाल बताया कि भाई कैसे आए बेटा, नहीं कही यार पूरी फौज पाठान की कर दी है श्री ज्वाला सिंह ने। तो फिर उदल अपने गुरु के पास, हमरा के पास गए। हमरा गुरु से पूछा, गुरु जी ऐसी ऐसी बात है, तुरंत चलो, ऐसा ऐसा है। तब फिर अब हमरा गुरु ये उदल इंदल साथ में आए, फिर बताया उन्होंने कि ऐसा है, तुम अब बलि लगाओ इंदल की, तब जो है जयपा पाओगे। तो फिर उन्होंने जो है वहाँ पर इंदल की आला से कही, तो आला तो लगा दे अपनी लड़की, कौन बल लगा देगा। मलखान से कही, उनने भी नहीं लगाई, वो भी डर गए, हाथ काँप नहीं लगे। फिर उदल से कहा, तो इंदल ने उदल से कहा, क्या नामर्द हो क्या, ऐसी भाषा बोली। तो उदल जो है जोश में आया, उसने उठाया अपना तलवार और इंदल का सिर काट दिया। माई प्रसन्न हो गई, तभी से जो आला और इंदल जो है अमर हो गए, इंदल को अमर कर दिया माई ने, बजाय पाली। हाँ, जो पत्थर लगाया उसी का है। लहर की देवी को मनिया देवी के रूप में भी जाना जाता है। जानकारों का कहना है कि मनिया देवी मेहर की मां शारदा की बहन है। नवरात्रि में विशेष भीड़ होती है। नवरात्रि की अष्टमी को रात्रि में भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि इस आरती में शामिल होने से भक्तों की सभी कामनाएं पूरी हो जाती है। पिछले 5-6 सालों से मंदिर आ रहा हूँ, और मंदिर में आने के बाद मतलब मेरी नौकरी भी लगी है यहीं से, और मेरे जितने भी रुके हुए काम थे वो सारे पूरे होते चले गए हैं। क्या मानता है, क्या मन, और माता की जो शक्ति है वो अपार है।